जो आप लोगों ने ट्रेड लिया है ड्रेस मेकिंग, ड्रेस मेकिंग जो आपने ट्रेड लिया है किस लिए लिया है, क्योंकि हम उसका उद्योग कर सके या हमें अगर जॉब मिलती तो उसके बारे में हम बच्चों को बता सके। एक मशीन हमारे ट्रेड में व्यवसायिक क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमें सर्विस नहीं मिलती है तो भी हम अपना छोटा सा उद्योग डाल सकते हैं। कुछ मशीनों की सहायता से हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं, खुद रोजगार कर सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं। सिलाई मशीन हमारी तीन प्रकार की होती है। पहला सिलाई मशीन, हाथ की सिलाई मशीन, पैर की सिलाई मशीन और विद्युत चलित मशीन। तो ये जो तुम मशीनें चला रही हो ये तुम्हारी पैर वाली मशीनें हैं, इसको हम क्या कहेंगे, पैर की मशीन। पैर की मशीन हमारी इसमें इलेक्ट्रॉनिक लग करके इसकी मोटर से भी चलती है, और अगर बाय द वे लाइट चली जाती है, कोई कुछ का हो जाता है कारण जिससे हम करंट नहीं मिल पाता है, तो ये पैर का ये जो लगा हुआ है पावर, उससे हम मशीन चला के अपने वर्क को पूरा कर सकते हैं। इसलिए इस मशीन में हमें दोनों सुविधाएं मिलती है। अब ये बताओ तुम लोग, मशीन की खोज किसने की? मशीन की कौन किसने की? मशीन की खोज सबसे पहले किस देश में हुई? फ्रांस में। सिलाई मशीन की खोज किस सन में हुई थी? 1816 में। पहली शटल मशीन का आविष्कार कब हुआ? 1800 में। नॉलेज तो बहुत है भाई तुम लोग को। इसलिए क्योंकि हम खुद रोजगार हों और दूसरों को भी रोजगार दें। हाथ की सिलाई मशीन या सिलाई मशीन हाथ से चलाकर प्रयोग की जाती है। सिलाई हाथ से चलाने वाली मशीन देखा तुमने? ये मशीन जब यहाँ पे ये पावदान हटा करके जो बनाई जाती है, नीचे बैठ करके भी मशीन चलाई जाती है, उसे हाथ वाली मशीन कहते हैं। पैर की मशीन के बारे में मैंने समझा दिया आप लोग को। विद्युत चालित मशीन, विद्युत चालित मशीन बताया ना, मोटर लग करके करंट के द्वारा बिजली से चलती है। अच्छा आप लोग कुछ पार्ट्स बताइए, ये क्या है? प्रेशर बार, प्रेशर फूड, ऐसे सब करना तो आप कहां से करोगे?
अब आप बताइए सिलाई मशीन और उसकी पार्ट्स के बारे में जानकारी मिल गई आपको? मशीन की बेल्ट, मशीन की बेल्ट कहाँ लगाई जाती है? बड़े चक्के से होते हुए छोटे चक्के में खींची जाती है, ठीक है। अगर आप इसको ढीला कर देंगे तो क्या होगा, ये सुई नहीं चलेगी। जब सुई नहीं चलेगी तो क्या होगा, कपड़े नहीं सिलेंगे। तो इसलिए जितने इसमें पार्ट्स है सब अपनी अपनी जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है।